परिया से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा, मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी की जमानत नामंजूर करने की मांग की। पिछले दिनों ग्राम पारखी में मंदिर में रखे हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर बाहर फेंकने की घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सोमवार को एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर घटना के आरोपी चैन सिंह आत्मज अजब सिंह निवासी पारखी तहसील पिपरिया को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम में स्थित हनुमान मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और हिंदू धर्म के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हमारे धर्म को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। दल इस कृत्य की दल घोर निंदा करता है। समस्त ग्रामवासी और राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि यदि कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त ग्रामवासी राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। जिला अध्यक्ष आदेश जावरी और अन्य के हस्ताक्षर से ज्ञापन दिया गया। माइक मशीन तोड़ के फेंकी हमारी, जो हम चला रहे थे और मंडल है पूरा, लेकिन गंदी गंदी गाली गलौज करना, तुम्हारा हम भजन कीर्तन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यदि इसके बारे में आप यदि कानून तरफ रहते हो तो तुम्हारा हम मतलब कई गंदी गंदी। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद, विषय चैन सिंह आत्मज अजब सिंह निवासी पारकी तहसील पिपरिया द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने व अपशब्दों का प्रयोग करने के संबंध में जमानत नामंजूर होने के करने बाबत। महोदय जी, समस्त ग्रामवासी निवेदन करते हैं कि चैन सिंह आत्मज अजब सिंह जाति किरार निवासी पारखी के द्वारा ग्राम में स्थित हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा व हिंदू धर्म के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारे धर्म को अपूर्ण क्षति पहुंची है। इस कृत्य की समस्त ग्रामवासी व राष्ट्रीय बजरंग दल घोर निंदा करता है। उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा ग्राम में उसका आतंक अत्यधिक है, जिससे ग्राम के लोग डरते हैं। सारा गांव उस आपराधिक कृत्यों से डरा हुआ है। परिवार की महिलाओं को आगे करके ग्रामवासियों को झूठा केस दर्ज करवाता रहता है। इस तरह देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर जगह जगह रैलियां चल रही हैं। इस बीच हनुमान मंदिर की मूर्तियां टूटने का सभी हिंदुओं के लिए गलत संदेश है। इस प्रकार की मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने की घटना पूर्व में हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें पर जमानत को नामंजूर करें, ताकि हिंदू धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटना घटित ना हो। यदि कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त ग्रामवासी एवं राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। समस्त ग्रामवासी ग्राम पारखी ज्ञापन देने के लिए आए हैं आप, किस विषय में ज्ञापन है? हनुमान जी के मंदिर में तोड़ फोड़ की है, उसके विषय में। आप उसके बारे में क्या चाहते हो? हम निर्णय चाहते हैं, उसको सजा होना चाहिए। आपका नाम क्या? मधु पटेल। मूलचंद साथ, किस विषय में आए आप? प्रांत सचिव अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। आज यहाँ बनखेड़ी ब्लॉक के एक गाँव में हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, जो कि निंदनीय घटना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले पूरे गांव आज यहाँ एकत्रित हुआ है, गांव के महिला बुजुर्ग और सभी, और इस शहर के पिपरिया के भी बहुत सारे समाज सेवी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस विषय को लेकर कि जहाँ एक और राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और उसी दरमियान यहाँ पे मंदिरों की टूट फूट जारी है, जिस ओर किसी जो चंदा करने वाले संगठन है उनका किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के लोगों ने, समाज के गांव के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पर विश्वास करके कि ये शायद संगठन हमारे साथ खड़ा होगा, और उसी विश्वास और उसी उम्मीद के साथ उनके साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं। और उनके मंदिर को, उस आरोपी को सजा दिलवाने के बाद उस मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाने का संकल्प अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल लेता है, और उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद गांव वाले के साथ, समाज के साथ, समग्र हिंदुओं के साथ मठ मंदिरों की सुरक्षा, मठ मंदिरों के सम्मान में, हिंदुओं के बहन बेटियों के सम्मान में, जानकारी ये मिली है कि वो बहन बेटियों के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।